ये जो आज विधानसभा के बाहर हजारों हजार किसानों ने जो घेराव किया, इस बात को लेकर के कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मुहिम चली है गरीब किसानों के खिलाफ, खास करके जहां पर भी किसान का कब्जा है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके घर गौशाला वहां से बेदखली हो रही है, उसके बाग बगीचों को काटा जा रहा है, और ये मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है खास करके गरीब किसान और दलितों के खिलाफ। हिमाचल प्रदेश के 60% किसान के पास मात्र 6 बीघा हाफ अ हेक्टर भूमि है जिस पर उसका गुजारा चल नहीं सकता, और इसलिए वो मांग कर रहा है कि मनरेगा को सख्ती से लागू किया जाए। जो औसत दिन किसान काम कर रहा है वो मात्र हिमाचल प्रदेश में 36 दिन आ रहा है, और जिसे 100 दिन काम मिल रहा है वो मात्र 13,000 ही किसान के परिवार हैं, जबकि मनरेगा कार्ड होल्डर है वो 13 लाख है। जो हमारी गांव में माताएं बहनें हैं, जो मेरी माता है वो दूध पैदा करती है और पूरा दिन भर जो है वो गाय के मतलब इर्द गिर्द ही रहती है, उनको कोई और काम करने को भी मौका नहीं मिलता, लेकिन आज उनका जो दूध का जो समर्थन मूल्य है आज उनको वही नहीं मिल पा रहा है। जो समर्थन मूल्य है वो 30 रुपये होना चाहिए था लेकिन आज 16 रुपये या 17 रुपये, और विधानसभा के अंदर जो एक रुपया मूल्य बढ़ा भी है वो भी कहीं ना कहीं नीचे गाँव के अंदर जो लोग है उसके अंदर वो एक मूल्य भी नहीं बढ़ा रहे। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो बेदखली की मुहिम है उसको इमीडिएटली जो है बंद किया जाए, गरीब किसानों के जो कब्जे हैं 5 बीघा तक उसको नियमित किया जाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बंदर है, सुअर है और जितना ये वाइल्ड एनिमल है उसका बहुत प्रकोप है। हालात ये हैं कि दिन भर लोग बंदरों का पहरा करते हैं, रात को सुअर का पहरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं। हिमाचल में बहुत सारा ऐसा किसान है जो लगातार जंगली जानवर आवारा पशु के प्रकोप से तंग आकर के जिसने खेती से प्लान कर दिया है। हम बंदरों को भगाते हैं तो क्या करते हैं, सीटियां हो जाते हैं ना, महिलाएं भी बता देती है सीटी बंदरों को भगाने के लिए। तो ये जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है आते मेरे तक सारे सीटियां बजाओ पहले। आने वाले समय में अगर इन 4 मांगों को लेकर सरकार दूर नहीं करेगी किसान की समस्या को, तो संघर्ष को तेज किया जाएगा, और आज तो प्रचार के रूप में आए, आने वाले समय में लड़ाई के रूप में हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को चुनौती देने के लिए आगे आएंगे।